केंद्र सरकार के द्वारा बनाए गए नए कानून सीए के विरोध में आज पूरे प्रदेश में प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी क्रम में मेरठ में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने अपना विरोध प्रदर्शन पार्टी कार्यालय पर ही किया। हालांकि पुलिस प्रशासन की सख्ती के चलते समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता अपने जिला कार्यालय से बाहर नहीं निकल पाए। इस मुद्दे पर जब एडीजी मेरठ जोन प्रशांत कुमार से बात की गई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि शहर में धारा 144 लागू है, जिसके चलते कोई भी चार व्यक्ति एक साथ बाहर नहीं निकल सकते। वहीं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता एक दो करके जिला कार्यालय पहुंचे और उनका ज्ञापन भी जिला कार्यालय पर ही लिया गया। समाजवादी पार्टी का प्रदर्शन रहा और शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन निपट गया। सीएए को लेकर के लगातार कहीं ना कहीं प्रदर्शन हो रहे हैं, धारा 144 का भी ये उल्लंघन है, तो ये कैसे इकट्ठे हो पा रहे हैं? धारा 144 अगर लगाई हुई शहर में तो इनके खिलाफ क्या शुरू? धारा 144 के तहत कोई भी जुलूस निकालने की अनुमति नहीं दी गई है, तो लोग एक एक दो दो करके अपने कार्यालय पे आए हैं, उनका डेमोक्रेटिक राइट है, वहाँ पे शांतिपूर्ण तरीके से उनका पत्रक ले लिया गया है। और ये बार बार बताया जा रहा है और सरकार के द्वारा भी बताया जा रहा है, अधिकारियों के द्वारा भी बताया जा रहा है, समाचार पत्रों के माध्यम से, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी बताया जा रहा है कि जो ये CAA है ये एक एनेबलिंग प्रोविज़न है, ये किसी के भी राइट्स में कोई कटेलमेंट की बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी पे कोई किसी के अधिकार या किसी के सिटीजनशिप से को ख़त्म किया जा रहा है। तो ये लगातार बताए जाने हेतु जितने भी हमारे धर्मगुरु हैं और हमारे डिजिटल वॉलंटियर हैं या अन्य समाज के जो महत्वपूर्ण लोग हैं, सबको लगातार थाने पे बुला के उनको बताया जा रहा है कि अगर कोई ग्रीवांस है तो उसका एक डेमोक्रेटिक तरीका है, लेकिन हिंसा का रुख कोई ना अपनाए। हिंसा होने से वैमनस्यता भी बढ़ती है और सरकारी संपत्ति या प्राइवेट संपत्ति को भी क्षति पहुंचती है और वैसी स्थिति में पुलिस कार्रवाई करने के लिए बाध्य हो जाती है। आपने ये भी देखा होगा कि कुछ जैसे दिल्ली में कुछ उपद्रवी तत्व घुस गए, तो भीड़ में जब कुछ इंटरेस्टेड लोग घुस के और उस माहौल को खराब करना चाहते हैं, बाद में जो आम जनता है जो डेमोक्रेटिक तरीके से एजिटेशन कर रही है उसको सफर करना पड़ता है। और यही चीजें बार बार समझाई जा रही हैं और सबसे अच्छी बात यह है कि पूरे पश्चिम उत्तर प्रदेश में कहीं भी अभी तक कोई धरना प्रदर्शन जुलूस की बात नहीं है। सभी लोगों ने आपसी सद्भाव बनाए रखने के लिए अपील भी की है और उस पर लोग अमल भी कर रहे हैं। आगे भी हमारा प्रयास यही होगा कि जो अगर कोई भ्रांतियां हैं या कोई पत्रक देना है तो शांतिपूर्ण तरीके से दें और उसको सभी जगह बताया जाएगा, सरकार को भेजा जाएगा, लेकिन कानून अपने हाथ में न लें। इसके अतिरिक्त पुलिस ने जो सोशल मीडिया के मॉनिटरिंग के लिए एक काफ़ी पुख्ता अरेंजमेंट कर रखे हैं, तो जो भी गलत सही चीज़ें फैलाई जा रही हैं ऐसे पोस्ट को डिलीट भी किया जा रहा है और वैसे लोगों पे लगातार कार्रवाई भी की जा रही है। अगर कितने लोग अभी तक आप पूरे जोन में डिटेन किए गए हैं? अभी